नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अफगान तालिबान जब से अपनी ताकत के बलबूते अफगानिस्तान की सत्ता में आए हैं, तभी से अमेरिका तालिबान से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन तालिबान सुपर पावर अमेरिका से सीधे मुंह बात नहीं करते। अमेरिका नए नए बहाने बनाकर तालिबान के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहता है, लेकिन तालिबान अमेरिका को मुंह लगाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तालिबान की सत्ता में आते ही आतंकियों ने अफगानिस्तान में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। उधर तालिबान भी इन आतंकियों के साथ सख्ती से निपटने में लगा है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जुमे के नमाज के दौरान एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें लगभग 100 लोगों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी ISI ने ली है, जिसके तुरंत बाद तालिबानियों ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाकर IS के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। देखने में तो एक आतंकवादी हमला था, लेकिन इस धमाके से साजिश की बू आती है। ये धमाका सिया समुदाय की मस्जिद में किया गया और इसकी जिम्मेदारी ISI ने ली है। आपको बता दें, ISI और दाइश अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। इस धमाके को लेकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस धमाके के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल का सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल अमेरिका ने आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाने के लिए तालिबान की मदद करने की बात कही थी, लेकिन तालिबान ने अमेरिका की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तालिबान अपने दम पर इससे निपट सकते हैं। अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान अमेरिका से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में तेजी के साथ पनप रहे आतंकवादी संगठनों को लेकर अमेरिका का सहयोग नहीं लिया जाएगा। हम इससे अपने दम पर निपटने की ताकत रखते हैं। अफगानिस्तान की मस्जिद में हुए हमले के पीछे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका का हाथ बताया है। ईरानी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया हमला अमेरिका द्वारा देश में शिया सुन्नी झगड़े के बीच बोने की साजिश है। रईसी ने कहा कि मुसलमानों के बीच बंटवारे के उद्देश्य से किया गया यह अपराध उन लोगों द्वारा किया गया है जो धर्म और इंसानियत के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में IS अपराधियों की गतिविधियों को सुविधा प्रदान की है और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने से रोका है। आपको बता दें, ईरान एक सिया मुस्लिम देश है और ईरानी अभी तक एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका और इसराइल को सीधे आंख दिखाता है। वहीं अफगानिस्तान सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफगान तालिबान ने भी अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। सिया और सुन्नी देशों की ये जुगलबंदी आने वाले समय में अमेरिका और इसराइल को बहुत भारी पड़ने वाली है, इसलिए अमेरिका किसी न किसी बहाने से इन देशों की चुनौतियों से निपटना चाहता है। अमेरिका सुरक्षा का हवाला देकर अफगानिस्तान को फिर से अपने शिकंजे में लेना चाहता है, लेकिन तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।